और दुर्ग में पूर्व सीएम भूपेश बघेल की भाभी सीमा बघेल बीजेपी में शामिल हो गई हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और इस लोकसभा चुनाव कई ऐसे चेहरे भारतीय जनता पार्टी में जुड़ चुके हैं। और इस बीच सीएम साय की मौजूदगी में दुर्ग में पूर्व सीएम भूपेश बघेल की भाभी सीमा बघेल का बीजेपी में शामिल होना ये एक साइकोलॉजिकल जो दबाव कांग्रेस पार्टी पर और भूपेश बघेल पर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मनोवैज्ञानिक बढ़त के लिए ये एक बड़ा दांव साबित हो सकता है। और लोकसभा चुनाव के पहले चरण के रण से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर विपक्ष पर करारा हमला कर रहे हैं और साथ ही बीजेपी के कल पत्र में जनता से किए वादों पर खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पूरा इंटरव्यू आज शाम 5:30 बजे देखिए। तमिलनाडु में डीएमके ने कहा है कि उन्होंने काफी बयान दिए हैं सनातन के खिलाफ। सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए कि तुम्हारी क्या मजबूरी है कि सनातन के खिलाफ इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ तुम क्यों बैठे हो भाई। डीएमके का तो जन्म शायद इस नफरत में पैदा हुआ होगा। डीएमके के प्रति जबरदस्त गुस्सा पैदा हुआ है। मैं कल्पना नहीं करता हूं इतना बड़ा गुस्सा पैदा हुआ है। वो गुस्सा पैदा डाइवर्ट हो रहा है बीजेपी की तरफ पॉजिटिव वे में। मैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बात करती हूँ। इसको एक राजनीतिक रंग नहीं चढ़ना चाहिए था लेकिन हो गया है। उनके लिए ये राजनीतिक हथियार था। अब हुआ क्या, राम मंदिर बन गया तो उनके हाथ से वो मुद्दा ही चला गया। आपने हॉस्टिलिटीज रोकने के लिए पर्सनल इंटरवेंशन किया था ये सुनने में आया है। दोनों राष्ट्रपति के साथ मैं बहुत मित्रतापूर्ण मेरा रहा है। मैंने कहा भाई भारत में इतने लोग हमारे नौजवान फंसे हुए हैं और मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या ये गलत फैसला था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का? विपक्ष कहता है कि ईडी, सीबीआई, आईटी सारे के सारे इदारे जो हैं, इलेक्शन कमीशन को भी जोड़ते हैं वो, कि सारे इदारों पर बीजेपी हावी है और लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं। और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।